नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिवे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कंपनी द्वारा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कैसे दिया जाता है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बालाजी वेफर्स कंपनी के बारे में। तो दोस्तों बालाजी वेफर्स एंड नमकीन ग्रुप एक इंडियन नमकीन कंपनी है जो इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर नमकीन का प्रोडक्शन करती है। दोस्तों यह कंपनी नमकीन और पोटैटो चिप्स का प्रोडक्शन के लिए आज जानी जाती है और इस कंपनी की शुरुआत सन 1976 के अंदर गुजरात के राजकोट से हुई थी और आज यह कंपनी इंडिया के कुछ टॉप लेवल की नमकीन कंपनियों में गिनी जाती है। दोस्तों आपको बता दें यह कंपनी लगभग 51 से अधिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रही है। दोस्तों आज इस कंपनी के पास इंडिया के अंदर लगभग 800 से 1000 डीलर का बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा रही है और धीरे धीरे दोस्तों अब कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और अपने नए नए डीलर बना रही है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि नमकीन का बिजनेस करना चाहता है तो वह बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और एक अच्छी सी शॉप और एक अच्छा सा गोडाउन होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस का GST नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों GST नंबर के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। और दोस्तों इसके साथ आपके पास एक से दो व्हीकल भी होने चाहिए। दोस्तों यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी अपनी डीलरशिप नहीं देगी। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी खुद की जमीन के अंदर अपनी शॉप और अपना गोडाउन एस्टेब्लिश करके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप जमीन किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, दोस्तों यदि आप ज्यादा बड़े एरिया के अंदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप एक छोटे से एरिया के अंदर कंपनी के सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन दोनों चीजों के ऊपर ही दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी को सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है और उसके बाद अपनी शॉप या अपना गोडाउन एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने व्हीकल खरीदने पड़ते हैं। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप कम से कम कंपनी को 3 से 5 लाख रुपए के बीच सिक्योरिटी फीस देते हैं, उसके बाद अपनी शॉप एस्टेब्लिश करते हैं और अपना गोडाउन एस्टेब्लिश करते हैं, या फिर आप गोडाउन या शॉप किराए पर लेते हैं और दोस्तों उसके बाद आप अपने व्हीकल खरीदते हैं और वर्कर हायर करते हैं। तो दोस्तों सभी चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 15 से 20 लाख रुपए है तो आप आसानी से बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यह एक एस्टिमेटेड अमाउंट थी, आपको ज्यादा जानकारी के लिए कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से दोस्तों आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि कंपनी कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट करेगी आपके साथ, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितने साल के लिए आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, सभी जानकारी दोस्तों आपको कंपनी से मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप बड़ा गोडाउन बना रहे हैं यानी बड़े एरिया के अंदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो आपको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपको बड़ी शॉप और बड़ा गोडाउन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं छोटे एरिया के अंदर तो आपको कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जमीन आपको अपने एक ऑफिस के लिए चाहिए और अपने गोडाउन के लिए चाहिए। तो दोस्तों आप 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर अपना एस्टैब्लिश करेंगे और 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर अपना गोडाउन एस्टैब्लिश करेंगे। दोनों चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 1500 से 1700 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप आसानी से बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए।
और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यदि बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीएसटी नंबर के बिना आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते, इसलिए आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। दोस्तों यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और आपके पास सही लोकेशन पर जमीन होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। जैसे दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो कंपनी का अच्छा सा आपको इंटरफेस दिखाई देगा और कंपनी का ऊपर लोगो दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। और होम पेज के ऊपर वैसा भी प्रोडक्ट दिखाई देंगे जिनका प्रोडक्शन इस कंपनी द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी के बारे में सभी डिटेल आपको मिल जाएगी, कंपनी कब शुरू की गई थी, किस किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है कंपनी, सभी डिटेल दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो ऊपर दोस्तों आपको मेन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे अबाउट, प्रोडक्ट, लेटेस्ट न्यूज, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज, ठीक है दोस्तों। आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी की पूरी पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कंपनी के आपको टोल फ्री नंबर दिखाई देंगे, ईमेल आईडी आपको दिखाई देगी, आप यहाँ से कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में सभी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको दो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप इनके ऊपर पहले कॉल करें और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में पूरी पूरी जानकारी लें, ठीक है दोस्तों। नीचे की तरफ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरी फॉर्म आपको दिखाई देगा, इस फॉर्म के अंदर दोस्तों आपको वह सभी डिटेल भरनी है जो कंपनी आपसे पूछ रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फिर दोस्तों आपको अपनी एज डालनी है, एज डालने के बाद दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, यानी आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्लस टू पास है, ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। दोस्तों आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको अपनी सिटी डालनी है, यानी आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है और फिर अपना स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको अपनी बिजनेस डिटेल डालनी है, यानी आपके पास कोई फर्म है, शॉप है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी फर्म का नाम डालना है और फिर अपनी फर्म का पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है दोस्तों। फर्म का एड्रेस डालने के बाद करंट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का क्या नेचर है वो आपको डालना है। फिर नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस इन करंट बिजनेस, यानी आपको कितने साल हो गए उस बिजनेस के अंदर, आज वह डालना है। और फिर दोस्तों आपको अपना बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है, यानी आपका बिजनेस किस टाइप का, मार्केटिंग का है, ट्रेडिंग का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है या अदर, ऐसे दोस्तों आपको अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। बिजनेस टाइप सिलेक्ट करने बाद आपका एनुअल टर्नओवर डालना है, आपका अपना कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, कितने लाख रुपए है या कितने करोड़ रुपए है, आपको अपना यहाँ टर्नओवर डालना है। टर्नओवर डालने के बाद दोस्तों आपको अपना योर करंट बिजनेस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी आपके बिजनेस के बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देना है इसके अंदर। फिर दोस्तों आपको अपने व्हीकल डालने हैं, यानी आपके पास जो भी व्हीकल है वो इसके अंदर डाल दें। फिर दोस्तों कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्ट, यानी आपके पास कितनी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की वो डालने हैं। फिर एग्जिस्टिंग मैन पावर सेल्समैन, ठीक है दोस्तों, आपके पास मैन पावर कितनी है, सेल्समैन कितने आपके पास सिलेक्ट करने हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वो आप सिलेक्ट करें। फिर दोस्तों आपको एक अटैचमेंट आईडी डालनी है अपनी, यानी आपको अपनी एक आईडी डालनी है इसके अंदर, आपके पास जो भी आईडी है वो इसके अंदर डाल दे। फिर दोस्तों आपको रेफरेंस बाय नेम या एजेंसी नेम डालना है, फिर रेफरेंस बाय सिटी डालनी है और फिर वाई आर यू इंटरेस्टेड इन बिकम एक डीलर फॉर बालाजी वेफर्स, इसके अंदर यह डालना है दोस्तों कि आप बालाजी वेफर्स की एजेंसी के लिए कैसे इंटरेस्टेड हैं, किस लिए इंटरेस्टेड है, वो चीज़ डालनी है कि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, वे चीज़ दोस्तों आप इसके अंदर डाल दें। और फिर दोस्तों आप पूरा फॉर्म चेक करें कि आपने जो भी अपनी पर्सनल डिटेल और बिजनेस रिलेटेड डिटेल दी है कंपनी को वह सही है। दोस्तों आपको पूरी पूरी डिटेल चेक करनी है और ध्यान रखें दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे वो सही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी तो इन्हीं के थ्रू करेगी, या फिर मोबाइल नंबर या फिर
ईमेल आईडी के थ्रू। दोस्तों आपके सभी डिटेल सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी और दोस्तों फिर आपसे कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेगी यदि कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। क्योंकि दोस्तों यदि आपकी लोकेशन के ऊपर कंपनी के पहले से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है तो कंपनी रेयर चांस है कि आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन दोस्तों यदि आपकी लोकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कंपनी का तो आपसे कंपनी कॉन्टैक्ट जरूर करेगी और आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगी। दोस्तों यदि आपको ऐप फॉर्म फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखा देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप बालाजी वेफर्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप बालाजी वेफर्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन कैसे दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कंपनी द्वारा सभी प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब आप कंपनी के प्रोडक्ट को उनके कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए सर्विस कंपनी को आप देंगे तो उसके लिए कंपनी द्वारा अलग से आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा। और दोस्तों सभी प्रोडक्ट के लिए कंपनी द्वारा अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो या तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ दोस्तों हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, और या फिर आप कंपनी के टोल फ्री नंबर से कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।